सो गाइज दिस इज अ क्यू एंड ए वीडियो. बहुत लोग पूछ रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है हेयर स्टाने के लिए. तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे. अगर आपकी छोटी बड़ी रूट्स हैं, जैसे मान लो अभी मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया और आपकी कंडीशन कुछ कुछ ऐसी है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है. तो आप मिनोक्सिडिल फिनास्टेक की हेल्प से भी अपने बालों को ग्रो कर सकते हो. हेयर ट्रांसप्लांट की कोई भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर. बट अगर आपकी रूट से नहीं है, अगर आपकी स्किन कुछ कुछ ऐसी है, जैसे मेरे फोरहेड पे अगर ऐसी स्किन हो चुकी है ना, तो उससे हेयर्स नहीं आएंगे आपके. तो हेयर ट्रांसप्लांट इज ओनली वन ऑप्शन टू गेट बैक योर हेयर्स. इसके अलावा बहुत लोग पूछ रहे थे कि फिनास्टेक लेने से जो हेयर्स आते हैं वो परमानेंट आते हैं. तो गाइस सीधी सी बात है, परमानेंट आते हैं वो आपके खुद के ही हेयर्स होते हैं. बट जब आप उनको छोड़ देते हो ना, फिनास्टेक या मिनोक्सिडिल को, तो वापस जाने के भी चांसेस होते हैं. देखिए समझिए, जैसे हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, छोटे प्लांट को, है ना, तो वो तब तक ही ठीक रहेगा जब तक उसको एक्यूरेट सनलाइट मिल रही होगी, उसको वाटर मिल रहा होगा, तब तक ही अच्छा रहेगा. जिस दिन आप उसमें पानी डालना या उसको ढक दोगे ना, तो वो बंद धीरे 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 धीरे, मतलब पहले लो हो जाएगा, थिन हो जाएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. सिमिलरली हमारे हेयर्स काम करते हैं. जब तक आप फिनास्टेक या मिनोक्सिडिल देते हो, तब तक तो बहुत अच्छे होते हैं. जब आप लेना बंद, मतलब एकदम से बंद करते हो जब आप मेडिसिन, तब वो रिवर्स हो जाता है इफेक्ट. बट आप उसको रोक सकते हैं एक अच्छी डाइट से, अच्छी एक्सरसाइज प्लान से. बट वही बात है ना यार, लोग ना कंटिन्यू नहीं कर पाते. आपको पता है मिनोक्सिडिल का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा होता है, और उसका जो रिजल्ट रिवर्स होता है ना, उसका एज पर साइंटिफिक जो रीजंस है ना, जो रिसर्च हुई है, उसमें यही आया है कि ना 99% लोग एक टाइम के बाद मिनोक्सिडिल लगाना छोड़ देते हैं. और मिनोक्सिडिल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके बाल मिनोक्सिडिल से आए हैं, है ना, तो जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, मान लो आपने एक महीने के लिए छोड़ दिया, तो खत्म. वो जितना आपने एक साल पूरा लगाया था, आपके बाल आए, तो सब खत्म. वो सब खत्म होंगे होंगे नेक्स्ट टाइम आप स्टार्ट करोगे, तो दोबारा से भले ग्रो हो जाएंगे, बट उस टाइम खत्म हो जाएंगे. तो मिनोक्सिडिल से बेटर फिनास्टेक रहती है. फिनास्टेक में क्या होता है, बाल तो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं यार, सच में कंपैरिजन ही नहीं है. मैंने अपनी वीडियो डाल रखी, आप देखना, इतने अच्छे बाल ग्रो होते हैं. और उसको ना आप जैसे 6 महीने लिया है ना, 1 महीना छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं होगा, कोई रिवर्स नहीं होगा. 6 मतलब 1 महीने बाद आप दोबारा स्टार्ट कर दो 6 महीने के लिए, तो स्टार्टिंग स्टार्ट नहीं होगा, जो है ना वो वही अच्छे रहेंगे आपकी, जाएंगे नहीं बार बार, है ना. दूसरी चीज, तो फिनास्टेक ज़्यादा अच्छी होती है. आप इसको ऐसा नहीं होता कि वो छूट गई तो वो रिवर्स हो जाएगा, नहीं. ये चीज़ मिनोक्सिडिल में होती है, छूट गई तो इफेक्ट रिवर्स हो जाता है. बट ये चीज़ फिनास्टेक में नहीं होती. आप छोड़ भी देते हो ना, कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा ले लो, ठीक हो जाओगे, है ना. लॉन्ग टर्म लो, अभी इसमें भी क्या होता है ना, लोग हेयर्स आ जाते हैं. जब हेयर्स आ जाते हैं ना, जब आ जाते हैं, जब लगते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छे आ गए, तो लोग ना लापरवाह हो जाते हैं चीज़ों को लेके. लापरवाह हो जाते हैं ना, तो वो छोड़ देते हैं चीज़ें लेने, डाइट भी लेना छोड़ देंगे, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना, मिनोक्सिडिल लगाना छोड़ देंगे, फिनास्टेक लेना छोड़ देंगे, मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो वो छोड़ देंगे, है ना, मतलब शैम्पू अच्छे से नहीं करेंगे. तो जब आप केयर नहीं करोगे ना, तो आपके जाएंगे. यार देखो एक चीज़ तो है, बालों को उगाना ना एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने उगा लिया और छोड़ गए, मतलब आ गए अब छोड़ दो, अब केयर छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा. ये पूरी जर्नी है, है ना. जैसे आप रोज सुबह उठते हो, आप रोज फ्रेश होते हो, आप नहाते हो, ऐसे ही ना आपको अपने हेयर्स के लिए कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा. आप उनसे कंपेयर मत करो जिनके नेचुरल हेयर अच्छे हैं. यार सबके नहीं जा रहे हैं ना, आपके वीक है ना, आपके वीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी. यानी एक चीज समझो, मैं शुगर लेता हूँ, मैं जूस पीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रोज पीऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर एक शुगर पेशेंट वाला, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. सो अगर जैसे मैं कोई मैंगो शेक लेता हूँ रोज, है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर मैंगो शेक रोज ऑन डेली बेसिस कोई शुगर पेशेंट लेगा, तो यार उसका तो लाइफ का रिस्क है ना, तो उसको फर्क पड़ेगा. एलईडीज ना हेयर्स के साथ होता है. आप जो लोग केयर नहीं करते, उनके नेचुरल हेयर हैं अच्छे, वो नहीं भी करेंगे ना केयर, तो उनके अच्छे रहेंगे. बट यार क्योंकि हमारी हेयर सेंसिटिव है ना, तो वी हैव टू केयर, है ना. हम अपने हेयर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, चले जाएंगे. तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि कोई ऐसी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, 6 महीना ले लो, आ जाएंगे. नहीं, कभी नहीं. इट्स अ लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन. आपको ना आपको अपनी डेली लाइफ में चीज़ें ऐड करनी ही पड़ेंगी फॉर द लाइफ लॉन्ग. आप मेडिसिन नहीं करना चाहते, आप डाइट अच्छी कर लो, आप एक्सरसाइज अच्छी कर लो. डाइट में यार देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल के जो हेयर्स जाते हैं ना, वो जाते हैं DHT के वजह से, है ना. तो आप कुछ ऐसे फूड ऐड कर दो, आप यूट्यूब भी करके देख लेना, 2-4 मैं बता देता हूँ आपको, जिससे DHT कम होता है. जैसे कि टमाटो,
टमाटो आप खाओ, कैरेट आप खाओ, तो इनसे क्या होता है, डीएसटी कम होता है। पम्पकिन सीड्स खाओ आप, है ना, फ्लैक्स सीड्स खाओ, तो ये क्या होते हैं, एंटी डीएसटी काम करते हैं, इनसे कम होता ही होता है डीएसटी, है ना। ये चीज़ें आप ऐड कर दो अपनी लाइफ में। इसके अलावा एक जो बहुत बहुत इफेक्टिव चीज़ है ना, वो आप जब सुबह उठते हो ना और फ्रेश होते हो, उसके बाद ही ना हेड स्टैंड करना स्टार्ट कर दे आप। हेड स्टैंड यकीन मानो इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू क्योर हेयर लॉस। जो भी आपकी हेयर्स गए हैं ना, वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके हेयर्स हैं ना हेड पे, वो मोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि हम मुझसे नहीं हो पा रहा ये हेड स्टैंड, तो आप एक वॉल का सहारा ले लो यार। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझसे भी नहीं हुआ था, एक वॉल का स्टैंड। अभी भी सच्ची बताऊं, मैं बिना वॉल के नहीं कर पाता, तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको स्किल नहीं सीखनी है कोई, आपको बस हेयर्स बचाने हैं, जैसे भी बचाओ बचाओ, है ना। तो आप हेड स्टैंड दीवार का सहारा लेके कर लिया करो, 5 मिनट करना है। अब 5 मिनट ना भाई एक बारी में नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में आप एक ही मिनट के 5 बार कर लो, फिर 1.5 मिनट के 4 कर लो, 2 मिनट के 2 कर लो, ऐसे जाओ। फिर 15-20-25 दिन बाद एक टाइम ऐसा आएगा आप एक ही सेट 5 मिनट का कर लोगे, बस एक ही सेट मारना है 5 मिनट का आने वाले टाइम में, स्टार्टिंग आप कम से करो। इसके अलावा ना आप ना चीज़ें लगाना बंद करो यार, ये हेयर्स पे आप कुछ भी लगाना स्टार्ट कर देते हो, कभी ऑयल, कभी अनियन जूस, कभी कोई भी क्रीम, मतलब कुछ भी, ये सब लगाना बिल्कुल बंद कर दो। एक तो इसमें पहले ध्यान नहीं है यार, है ना, ऊपर से आप ले लेते हो यार। देखो यार एक ग्रोथ, एक हेयर ना 6 साल बाद टूट जाता है, तो ऐसा थोड़ी हो आता रहेगा, आप तोड़ क्यों रहे हो उसको, तोड़ दोगे तो यार हो सकता है उसके लास्ट साइकिल हो वाली, वो दोबारा नहीं आएगा यार फिर, तो ऐसा कोई जोर मत दो कि वो खत्म हो जाए। तो कोशिश करो कम से कम चीज़ें लगाओ, हफ्ते में 2 बार शैम्पू करो, धूप में मत जाओ, मिट्टी से थोड़ा बचा के रखो, ये कोशिश करो। हाँ, ज़्यादा ना कैप वैप मत पहना करो भाई, कैप आने दो, नेचुरल ऑक्सीजन लेने दो हेयर्स को भी, जैसे हो ना वैसे ही रहो, टेंशन मत लो, आ जाएंगे यार बहुत सारे। आजकल ना ऐसी तो बात है ही नहीं कि हेयर चले गए तो वापस नहीं आएंगे, ट्राई करो। देखो फर्स्ट टाइम बहुत रहेगा, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन ही लेना, आप अच्छी डाइट करो और अच्छा हेड स्टैंड करो, सबसे पहली चीज़ ये करो लाइफ में। अगर हेयर लॉस हो रहा है तो 6 महीने रुको, 6 महीने रुकना है, और ये करने का मतलब ऐसा नहीं है आज कर लिया कल नहीं करा, 6 महीने का मतलब आपको होना डेली बेसिस करना है, और अगर टूटने रुक गए हैं तो वो पूरा लाइफ टाइम करना है, आपको लाइफ टाइम ही करना है भाई। 6 महीने का मतलब 6 महीने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है बस, कि रुक रहे हैं, रुक गए ना अगर हेयर्स तो लाइफ लॉन्ग करना है वो चीज़। इसके अलावा ना आप अगर इससे वर्क नहीं बढ़ रहा तो मिनोक्सिडिल और फिनास्टराइड ऐड कर दो डॉक्टर की उससे, ठीक है, और 6 महीने हुई अगर उससे रुकते हैं ना तो वो लाइफ लॉन्ग करना है आपको, ठीक है। अगर मान लो चले गए, जैसे अभी मेरे चले गए थे, है ना, ये मैंने जब किया था ना आ गए थे मेरे, दोबारा इसलिए टूट गए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लोग छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ दिया था। और सच्ची बताऊँ मैंने लास्ट मिनोक्सिडिल आई थिंक 2 या 3 साल पहले लगाया था, उस अभी भी नहीं लगा रहा मैं, अब तो मैं जानबूझ के ही लगा रहा भाई, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, मुझे पता है मिनोक्सिडिल से बूस्ट हो जाएंगे मेरे हेयर रिजल्ट, बट तब भी नहीं लगा रहा, मुझे पता है आगे मतलब जो आ रहे हैं आने, तो एक्स्ट्रा मैं हेयर्स ले आऊँगा मिनोक्सिडिल से, फिर मैं छोड़ूंगा, फिर वो जाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, इससे बढ़िया जो नेचुरल आ रहे हैं वो आने हैं, कम आएंगे बट अच्छे आएंगे, तो मैं अभी भी नहीं लगा रहा मिनोक्सिडिल। तो वही वाली बात, अगर आपको लगता है आप लॉन्ग लाइफ लगा सकते हो, ऐसा सबको लगता है, लगाने वाला था कोई, तो मिनोक्सिडिल मत ही लगाना मेरे मानो तो, बट आप वो लगा लेना, सॉरी कॉल आया था, बट आप वो लगा लेना, फिनास्टराइड लगा लें, फिनास्टराइड लेना स्टार्ट कर दो, वो आप ले सकते हो। 6 महीने लिया 1 महीने के लिए छोड़ दिया, 6 महीने लिया 1 महीने के लिए छोड़ दिया, यार कोई रिसर्च मत करो ज़्यादा ना, लोगों को लगता है ये इफेक्टिव काम है, बहुत इफेक्टिव है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परमानेंट साइड इफेक्ट इसका कोई भी नहीं है भाई, ये सब मतलब मोह माया है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है ना, जब छोड़ोगे ना तो उसी पे आ जाओगे वापस जहाँ पे, तो वो लेना स्टार्ट कर दो। अभी 6 महीने रुके और अभी भी हेयर्स नहीं आ रहे, अभी ये ऐसी कंडीशन है कि आएंगे भी नहीं आपकी हेयर्स, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट का, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, ये करा लो। इसका मतलब भी ये नहीं है आपने करा लिया और अब तो सेटिस्फाई नहीं है, मैंने कहा ना ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, तो आपको लॉन्ग लाइफ इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखने का मतलब ऐसा नहीं है ओहो बाबू सोना की तरह मतलब लगे पड़े हो इसी में, ऐसा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कि मतलब मैं धूप में नहीं निकल रहा हूँ, है ना, मैं हर टाइम इस पर प्रेशर नहीं दे रहा कोई, है ना, मैं डाइट अच्छी ले लेता हूँ, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, स्मोकिंग मैं करता भी नहीं था, मतलब आपके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि स्मोकिंग छोड़ दी, अगर आप ड्रिंक करते हो आपने ड्रिंक छोड़ दी, तो ये सब छोड़ दी, है ना, ये एक्स्ट्रा केयर करना स्टार्ट कर दो आप लाइफ में, तो बहुत अच्छे हेयर्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप